यवतमाल जिले के दिग्रा शहरवासी पेयजल समस्या से हैरान है। स्थानीय नगरपालिका के पेयजल वितरण विभाग की बिगड़ैल कार्यप्रणाली से त्रस्त शहर के नागरिकों ने पेयजल समस्या का निवारण नहीं हुआ तो बेबुनियादी अनशन धरना प्रदर्शन सहित पालिका के विरोध में जन आक्रोश मोर्चा निकालने की चेतावनी एनबीसी न्यूज चैनल के समक्ष दी गई है। पेश है दिग्रस से संवाददाता जुबैर खान की ये खास रिपोर्ट। दिग्रस शहर इन दिनों कई तरह की असुविधाओं से घिर चुका है। शहर में सड़कों के रखरखाव और नालियों की सफाई के अलावा यहां गर्मी के मौसम के पहले ही पेयजल की समस्या बेहद जटिल हो चुकी है। बावजूद इसके स्थानीय पालिका का पेयजल वितरण विभाग हमेशा की तरह हाथों पर हाथ धरे हुए बैठा है। शहर के अन्य इलाकों की तुलना में मोतीनगर, गौलीपुरा, संभाजीनगर, चांदनगर इन इलाकों में पेयजल समस्या उग्र रूप धारण कर चुकी है। आगे भीषण गर्मी में इन इलाकों में स्थिति और ज्यादा बिकट होने की संभावना है। यही वजह है कि अब इन इलाकों के आम नागरिक पालिका से पेयजलापूर्ति वितरण प्रक्रिया में तत्काल सुधार की मांग कर रहे हैं। पाण्याची टंचाई मी 15 वर्षापासून बघतो आहे। आमच्या सारख्या वयोधिक माणसाला पाणी मिळणे दुरापास्त झाले आहे। महिन्यातून आजच आम्ही 4 वेळ पाणी घेतो आहे। गरीब वर्ग जिथे आहे, ज्या भागात आहे, अशा लोकांना पाणी स्टॉक करण्यासाठी अपुरे भांडी पडतात। नळाचे पैसे मात्र पूर्ण घेतले जातात। नगर परिषद कधी जागे होईल हे समजणे दुरापास्त झाले आहे। माझी नगर परिषदेला विनंती आहे, नगर परिषदेने पाण्याचे योग्य नियोजन करावे, गरिबांची होणारी हेळसांड थांबवावी आणि आमच्या नगरामध्ये स्पेशली चांदनगरच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर चांदनगर हे थोडे उंच असे ठिकाणावर असल्यामुळे पाण्याचे जी वाटप होते त्यावेळेस सुद्धा पाण्याची पूर्तता होत नाही। आम्ही अनेक वर्षापासून स्वपैशाने पाणी खरेदी करतो। काही लोक असे आहेत जे बिचारे साठवण करून घेऊ शकत नाही, पैशानेही घेऊ शकत नाही। मोतीनगर में तो बीते कई सालों से गर्मी के दिनों में रात 11 बजे, 2 बजे या सुबह 5 बजे ही अपर्याप्त जलापूर्ति का मानो चलन बन गया है। यहाँ ज्यादातर मजदूर पेशा लोग रहते हैं जिन्हें अन्य इलाकों में रहने वाले नागरिकों की तुलना में पेयजल के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। सब कुछ जानते बूझते भी पालिका प्रशासन हर बार मोतीनगर के नागरिकों की समस्याओं को अनदेखा करता आ रहा है, लेकिन पालिका प्रशासन के इस सुस्त रवैये को यहाँ की जनता अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अभी रमजान महीना लगने वाला है, मोतीनगर में टाइम टू टाइम पानी आना चाहिए। गांव में चौथे दिन पानी आता है, मोतीनगर में 8वें दिन पानी आता है। मोतीनगर वालों को, गौलीपुरा वालों को एक महीने में 3 मरतबा सिर्फ नल मिलते हैं और उसके अलावा भी टाइम पर पानी नहीं मिलता। रात के 2 बजे पानी दिया जाता, रात के 11 बजे पानी दिया जाता, सवेरे 4 बजे पानी दिया जाता, सवेरे 6 बजे पानी दिया जाता। जबकि ये जो टाइम है गरीब लोगों का रहने का वो है। गरीब लोग बेचारे काम धंधा करके आते हैं, काम धंधा करके आने के बाद वो बेचारे थके मांदे सो जाते हैं, इधर नल खाली चल जाते हैं। फिर नल के लिए अगर यहाँ हो तो बोलते हमने नल छोड़े। नल छोड़ते भी तो बे टाइम छोड़ते हैं, छोड़े भी तो ऐसे छोड़ते हैं कोई मतलब नहीं, 10 गुण भरते नहीं पानी के। और नियोजन कुछ बराबर नहीं है नगर पालिका का। और मेरा बोलने का मतलब है, अगर ये था सब होने के बाद रमजान महीना लग रहा है, इसके बाद में अगर समझ लो हम लोगों का, अगर ये निवेदन के हिसाब से, और निवेदन भी देंगे हम लोग, और ये निवेदन के हिसाब से और आपके चैनल के माध्यम से इन्होंने नहीं सुना तो मोतीनगर से एक जन आक्रोश पैदा होगा और निकलेगा और जन आक्रोश होगा। बिल्कुल जन आंदोलन करेंगे हम, रोड पर आएंगे, नगर परिषद के सामने ठिया मान के बैठेंगे, अमरोन को बैठेंगे, साकड़ी क्वेश्चन को बैठेंगे। बहरहाल पालिका के रिटायर्ड कर्मचारी 80 वर्षीय अयूब हसन बालापुरे ने भी एनबीसीएन को बताया कि वाटर सप्लाई इंजीनियर गौरव मांडले काम से ज्यादा काम का दिखावा करने में माहिर है, जिस वजह से पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ऐसे में पेयजलापूर्ति में तत्काल सुधार नहीं किया गया तो वे जल्द ही पालिका के खिलाफ पेयजलापूर्ति के मुद्दे को लेकर बेमियादी अनशन करेंगे। समस्या ये नहीं है कि दिग्रसवासियों की पेयजलापूर्ति की समस्या का कोई हल नहीं है, बल्कि समस्या ये है कि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट खुद में सुधार नहीं करना चाहता। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के इस अड़ियल रवैये से ही शहर की जनता के सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। आइंदा दिनों में जन आक्रोश फूटने के आसार नजर आ रहे हैं। जरूरी है कि पालिका प्रशासन समय रहते पेयजल की समस्या का जल्द से जल्द निवारण करे ताकि जनता के रोष को उन्हें भुगतना न पड़े। पानी अधिकारी जो दिग्रस का है वो उसका नियोजन सही नहीं है, जबकि अरुणावती धरण सेकंड नंबर का धरण है
वहाँ 50 साल तक पानी खत्म नहीं होता। वो नियोजन इसके हाथ में से निकाल कर दूसरा पानी पुरोठा अधिकारी देने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो मैं चाहूँगा कि जीएस वालों को पानी सही तरीके से मिले और 8-8 दिन तक पानी नहीं मिलता हमको और दूसरों को 4-4 दिन बाद पानी मिलता, ये ठीक नहीं है। ठीक तो ऐसा होना चाहिए कि दिन में 2 मरतबा पानी देना चाहिए। ये ताकत है जिगर्स के इसमें धरण में, लेकिन नियोजन सही नहीं है, नियोजन सही नहीं है। इसलिए मेरी नम्र विनती है कि पानी पुरोठा अधिकारी की बदली कर जाए कराई जाए। इसलिए मैं नहीं अगर करेंगे मैं 25 दिन के बाद में अमरण उपोषण करने वाला हूँ और अमरण उपोषण के बाद में फिर क्या करूँगा ये नहीं बता सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दिग्रस को सही पानी पुरोठा मिले। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।